नमस्कार, मैं हूँ सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएमएस। वक्त हो गया है खबरों का। पॉर्न फिल्मोग्राफी केस में अरेस्ट शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर फैसला लेते हुए मुंबई कोर्ट की तरफ से उन्हें बड़ी राहत दी गई। राज कुंद्रा को करीब 60 दिनों बाद जमानत मिल गई है। खबर है कि पोर्नोग्राफी केस में आरोपी बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। बता दें कि राज कुंद्रा ने 18 सितंबर को कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने वकील प्रशांत पाटिल के जरिए जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सोमवार को सुनवाई हुई। दरअसल इस केस में क्राइम ब्रांच टीम ने राज कुंद्रा और 3 अन्य लोगों के खिलाफ पॉर्न फिल्म बनाने और कुछ ऐप की मदद से उसे ऑन एयर करने के आरोप में हाल में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद ही राज कुंद्रा ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का रुख कर दिया था और तर्क देते हुए कहा था कि व्यवहारिक रूप में मामले की जांच हो चुकी है। राज की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि पहली बात तो ये कि कोई भी कंटेंट उनके खिलाफ किसी भी अपराध को साबित नहीं करता। इस आवेदन में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि राज कुंद्रा को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है, जबकि उनका नाम FIR में नहीं था और पुलिस ने उसका नाम जबरन मामले में खींचा है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो ये थी हमारी अच्छी खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।